अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ पालक मटर की सब्जी। चलिए बनाते हैं। पालक मटर की सब्जी के लिए क्या क्या चाहिए बताती हूँ। यहाँ 1 किलो जितना पालक है, 1 किलो मतलब 2 कट पालक। इसे मैं धोकर अच्छे से बारीक काट कर रख ली हूँ। पालक को जब भी आप काटते हो तो पहले उसे धो लेना, फिर काटना आप पालक। और यहाँ पर 200 ग्राम जितने मटर, मटर को भी लेकर हूँ। अभी मसाले बताती हूँ। लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, लहसुन 15 से 20 कलियां लहसुन के बारीक कटे हुए, प्याज, टमाटर, हरिया धनिया, ये सब हमें चाहिए बनाने के लिए। सबसे पहले मैं गैस ऑन कर लेती हूँ, कढ़ाई को भी रख लेती हूँ। यहाँ पर स्टोव को ऑन कर ली हूँ, गैस को। यहाँ कढ़ाई भी रख ली हूँ मैं। अभी इसमें तेल लेती हूँ। तेल 1½ कप जितना तेल चाहिए हमें। अभी इसे गर्म होने देंगे तेल को। यहाँ तेल गर्म हो चुका है। यहाँ पर लहसुन, ये 15 से 20 कलियां छोटे कलियां हैं, अभी लहसुन के इसमें डाल लेती हूँ। ये पालक मटर की सब्जी अलग ही बनती है। हाँ, ये स्कूल शुरू हो गए हैं, बच्चों के टिफिन में क्या बनाकर भेजना है। बहुत से बच्चे पालक नहीं खाते, बहुत से बच्चे मटर नहीं खाते, तो ये बनाकर दीजिए, उनको बहुत पसंद आएगा और बहुत अच्छा भी रहता है ये। अभी इसमें मैं प्याज डालती हूँ। प्याज मैं बड़ी एक बारीक काट ली हूँ प्याज को। अभी इसे भी थोड़ा सा मैं गोल्डन ब्राउन करती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर 2 हरी मिर्ची ली हूँ बारीक कटी हुई, इसे भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। ये पालक और मटर की सब्जी अलग सी बनती है और टेस्ट भी ये अलग सा रहता है। रोटी के साथ तो बहुत अच्छा रहता है ये, हमारे घर में सभी को पसंद आता है। ये सिंपल रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाती है, फिर भी मैं आप लोगों को बनाकर बता रही हूँ। इसे बनाकर खाइए आप लोग, बहुत टेस्टी रहता है। अभी यहाँ पर मैं बड़ा साइज का 1 टमाटर ली हूँ। बड़ा नहीं है तो छोटे साइज का 2 टमाटर ले सकते हैं आप। अभी यहाँ पर मैं नमक ले रही हूँ। नमक मैं मुझे जितना चाहिए मैं देखकर ले रही हूँ, आप देखकर ले लेना एक बार, आप भी देखकर ले लेना। थोड़ा सा टमाटर को मैं पका लेती हूँ थोड़ा सा। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, टमाटर और प्याज भी बहुत जल्दी गल जाती है। बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं, सभी बच्चों की मम्मियों को, सभी को परेशान रहती है क्या बनाना, टिफिन में क्या बना कर देना, क्या बहुत से बच्चे ये खाते हैं, बहुत से बच्चे नहीं खाते। ऐसा अलग से बना कर दीजिए, बहुत सूखा रहता है ये, अलग से बना कर दीजिए टिफिन बॉक्स में। रोटी या पराठा या पूरी के साथ भी इसे दे सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद से खा लेंगे। इसे जरूर से ट्राई कर देखिए आप लोग, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, बड़े भी बहुत पसंद से खाते हैं इसे। झटपट बनती है ये रेसिपी और बहुत टेस्टी रहती है। बहुत थोड़े मसाले जाते हैं इसमें बस, और कुछ भी नहीं। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत से लोग देखते हैं उसे सब्सक्राइब करते नहीं, लाइक नहीं कर, जरूर से कीजिए आप लोग, जरूर से देखिए, जरूर से लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, मेरे शॉर्ट वीडियो भी आ रहे हैं, उसे भी लाइक कीजिए आप लोग, देखिए उसे भी लाइक कीजिए उसे भी। अभी इसमें मैं मसाले डाल लेती हूँ। यहाँ पर 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर और यहाँ पर गरम मसाला, ये घर का गरम मसाला है। मैं गरम मसाले की रेसिपी भी डाल कर हूँ, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में जाकर। और यहाँ पर जीरा पाउडर, ये 1 टीस्पून जितनी मैं डाली हूँ। यहाँ पर हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, और यहाँ पर लाल मिर्च देखकर डाल लेना आप, क्योंकि मैं हरी मिर्ची भी इसमें डाली हूँ, 1/2 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर। अभी से अच्छे से हमें मिला लेना है।
देखिए बस इतने ही मसाले इसमें इतने ही जाते हैं, ज्यादा मसाले नहीं जाते हैं। अब यहाँ पर मैं मटर को डाल लेती हूँ। ये मटर ये 200 ग्राम जितने हैं मटर, इसे भी डाल लेती हूँ। अभी हमें मटर को थोड़े से पका लें। ये फ्रेश मटर है, अभी मैं इसमें पानी थोड़ा सा लेती हूँ। देखिए ये कप से हाफ कप जितना ली है। अभी इसे मटर को हमें अच्छे से थोड़ा पका लेना है, मसालों को मटर को अच्छे से हमें पकने देना है। ये देखिए कितना जल्दी नरम हो गई है, और देखिए कितनी जरी हो गई है भाजी। अभी इसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। मैं नमक मिर्ची सब देखकर मैं अपने हिसाब से डाली हूँ, आप देखकर डाल लेना एक बार। ये देखिए पानी भी कितना निकला है। अभी इसे थोड़ा सा हमें सुखा लेना है पानी को। अभी इसको मैं एक मिनट अच्छे से पका लेती हूँ, क्योंकि भाजी भी पकना है और भाजी मटर मसाले सभी को पकना है इसीलिए। यहाँ पर देखिए पानी सब सूख चुका है और हरे मटर भी गल चुके हैं। ये देखिए अच्छे से गल चुके हैं, फ्रेश हैं तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। अभी इसमें मैं हरिया धनिया डालती हूँ। अभी यहाँ पर पालक को डाल लेंगे। फिर से बता रही हूँ, पालक आप जब भी कट करते हो आप पालक को धोकर ही कट करना, पहले इसे कट कर धोना नहीं, पहले धो लेना उसके बाद कट करना। अभी मैं पालक को डाल लेती हूँ इसमें। ये देखने में इतनी बहुत है, गलने के बाद इतनी हो जाती है, बहुत बहुत जरी हो जाती है ये। यहाँ एक किलो जितनी है, आपको समझ में नहीं आता है तो कट के हिसाब से मिलता है, वो दो कट लेकर हूँ मैं भाजी को। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए सेहत के लिए पालक की भाजी बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अब इसे एक मिनट मैं ऐसे ही छोड़ती हूँ, थोड़ा सा नरम होने के बाद मैं इसको मिलाती हूँ। देखिए इसे अच्छे से गलाना है हमें, भाजी को भी थोड़ा बहुत गलाना है इसे भी। अभी एक मिनट तक मैं ऐसे ही इसे छोड़ती हूँ पकने के लिए। ये देखिए तैयार हो गई है, अभी मैं आपको निकाल कर बताती हूँ। गैस को कर लेती हूँ बंद। ये देखिए तैयार हो गई है, अभी मैं निकाल कर आपको बताती हूँ। ये देखिए खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है और टेस्ट भी वैसे ही रहता है, ये पालक मटर का टेस्ट भी वैसे ही रहता है। ये देखिए तैयार हो गया है पालक और मटर की सब्जी। ये देखिए यहाँ पर रोटी भी मैं एक बनाकर रखी हूँ, अभी मैं इसको खाकर भी बताती हूँ आप। ये देखिए बहुत बहुत टेस्टी। ये देखिए पालक और मटर की सब्जी बनाकर मैं बताई हूँ, ये बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, इसमें आयरन बहुत रहता है, सभी के लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसे बनाइए खाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।